नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। मुख्यमंत्री पहले नहीं बने थे, भाजपा के कृपा से बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार बीजेपी पर थूकने भी नहीं जाएंगे, जिसके बाद से कई तरीके की बयानबाजी हुई। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार को कोई पूछता भी नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था और सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि वो पलटू राम है। सम्राट चौधरी ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की कृपा नीतीश कुमार पर है, ना कि नीतीश कुमार की कृपा बीजेपी पर है। बीजेपी के वजह से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सके। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, ये हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी जाने, हम लोगों ने तो उनको घोषित कर दिया है पलटू कुमार हैं। लालू जी कहते थे पलटू कुमार, तो पलटू कुमार हो गए। हम लोगों ने क्या किया, नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का, कि भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। मुख्यमंत्री पहले नहीं बने थे, भाजपा के कृपा से बने हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि थूकने नहीं जाएंगे बीजेपी में। देखिए, नीतीश कुमार जी पर कृपा है इतना जानिए, भाजपा पे कोई कृपा उनका नहीं है। नीतीश कुमार जब से G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए थे, तब से सियासी गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA का हाथ थाम सकते हैं। उसके बाद ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का यह बयान सामने आया था कि नीतीश कुमार बीजेपी पर थूकने भी नहीं जाएंगे। उसके बाद अब सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार को कोई पूछता भी नहीं है। नीतीश कुमार ये साबित कर चुके हैं कि वो पलटू राम है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सम्राट चौधरी, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।